हाँ मास्टर बच्ची गोल्ड कप आठ तारीख से बीकानेर पुष्कला स्टेडियम में होने जा रहा है और सभी आम जन से निवेदन है कि फुटबॉल मृतप्राय हुई इसको कायम रखने के लिए आप सभी लोग आम जन जो है इस फुटबॉल टूर्नामेंट को प्रोत्साहित करें और सपना पूरी भागीदारी निभाए। जय हिंद। गोल्ड कप है जो राजस्थान का प्रेस्टीजियस कप टूर्नामेंट है, ये पिछले 28 साल से लगातार हो रहा है, ये एक इसकी विशेषता है। इसके अंदर यहाँ की पब्लिक, यहाँ के नेतागण और यहाँ की प्रेस मीडिया ने इसका पूरा सहयोग किया है, इसी के कारण से लगातार 28 वर्ष से चलता है। इसके लिए भरत जी, नैनू महाराज, सुनील जी ये बधाई के पात्र है और साधुवाद के पात्र है कि इस माहौल में जहाँ क्रिकेट चारों तरफ छाई हुई है, फुटबॉल मृत प्राय पड़ी है, इस फुटबॉल गेम को जिंदा रखा है और बीकानेर की जनता और युवा जनता इसके अंदर बराबर जुड़ी हुई है, इसके साथ मैदान को देखने आती है और इस बारी इसको और ज्यादा रोचक बनाने के लिए दूध या रोशनी के अंदर भी इसका एक आयोजन किया जाएगा जो इसका फाइनल मैच होगा, जिसके अंदर नए उत्साह के साथ नए लोग, नए खिलाड़ी, नए युवा टीम जुड़ेगी। बीकानेर में जो मैदानी खेल लुप्त होते जा रहे हैं उसमें फुटबॉल को जिंदा रखने का काम हमारे मास्टर बच्ची फुटबॉल समिति कर रही है। ये 28वां टूर्नामेंट पूरे राजस्थान में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जो इतने वर्षों से पूरा भव्य रूप लिए हुए लगातार चल रहा है। उसके लिए मैं मास्टर बच्ची क्लब के हमारे जो सभी साथी हैं, जैसे संरक्षक हमारे अजय जी पुरोहित एडवोकेट साहब है, भरत जी हमारे रीढ़ की हड्डी है, इन लोगों के प्रयासों से या हमारे जो दानदाता है हमेशा हमें स्पॉन्सर करते हैं, वो हमारे साथ जो शुरू से जुड़े हुए थे आज तक जुड़े हुए हैं और उन्हीं की वजह से ये सफल टूर्नामेंट आयोजन बीकानेर में होता जा रहा है। इसके लिए आज आप देख रहे हैं कि मैदानी खेलों में लोगों का रुझान भी बहुत कम आए, उसके लिए भी हमने काफ़ी प्रयास किए कि भाई दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा जो फुटबॉल प्रेमी है वो इसमें आए देखे। और लास्ट ईयर जैसे दूधिया रोशनी में फाइनल करवाया था तो उसमें बहुत अच्छी गैदरिंग भी आई थी और इस बार भी वही प्रयास है। और महिलाओं का भी जो खेलों में रुझान बढ़ रहा है उसके लिए भी हमने प्रयास किए हैं कि राजस्थान की महिलाओं की जो अच्छी टीम है वो भी आए तो उनका भी प्रदर्शन मैच यहाँ करवाने का विचार है। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे बच्ची क्लब समिति का, कि उन लोगों के प्रयासों से बीकानेर में आज फुटबॉल जिंदा है। दिनांक 8 जनवरी 2022 से 12 जनवरी 2022 तक हम लोग सभी करवाने जा रहे हैं और हम उन सभी का धन्यवाद देते हैं जो हम बराबर हमारे से जुड़े हुए हैं और पर्टिकुलर जैसे सुनील जी भाटिया है, कन्नू भाई साहब है, अजू भाई साहब है, फिरोज जी है, नवल भाई साहब है और मैं किन किन का नाम लूँ, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तभी हमारा आयोजन सफल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडियाकर्मी है वो हमें बराबर, जैसा भी हम इस आयोजन करते हैं कोई छोटी मोटी त्रुटि भी रह जाती है तो हमें कॉपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, उनका भी बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमें बराबर टूर्नामेंट को आयोजन में जो प्रेस में अच्छा न्यूज़ देते हैं तो इसके लिए भी ताकि मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद।